हाय गाइज दिस नायक वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कश्मीरी इनोवेटर्स। गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को देख के एक बरसत हम जब दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। सो गाइज आज का जो हमें कंटेंट है हाउ वी कैन सेव आवर इन्फॉर्मेशन टू बी हैक्ड एंड हैकर्स कौन सी ट्रिक्स लेके हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हैक करते हैं। सो गाइज लेट्स बिगिन द वीडियो। Guys, hacking is all about the weakness of a server, of a system or a network system. So, इस weakness को, इस error को या तो इस system में implement किया जाता है या इसको find out किया जाता है, then accordingly इसको solve भी किया जाता है। Guys, hackers को हम 10 divisions में divide करते हैं: white hat hackers, grey hat hackers and black hat hackers. व्हाइट हैट हैकिंग जितना लीगल है उतना ही ब्लैक हैट हैकिंग इलीगल है। व्हाइट हैट हैकर्स को हम इथिकल हैकर्स भी बोलते हैं और इनका काम क्या होता है, कुछ एरर होता है उसको फाइंड आउट करना है, देन इसको सॉल्व कर देना। इसी बीच ग्रे हैट हैकर्स का काम क्या होता है, वो विदाउट परमिशन इस बग को, इस एरर को फाइंड आउट करते हैं, देन इसको सर्वर के पास ले जाते हैं कि आपके सिस्टम में ये एरर है, बदले में उनको एक रिवॉर्ड मिलता है। जितना वाइट हैट हैकर लीगल है उतना ही ब्लैक हैट हैकर इलीगल है। दैट मीन्स कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमारा फेसबुक हैक हो जाना, हमारी बैंक डिटेल्स लीक हो जाना, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम हमारे अपोजिट काम करना, इट्स ऑल अबाउट ब्लैक हैट हैकिंग। सो गाइज हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि हैकर्स कौन सी ट्रिक्स का यूज़ करके हमारा सिस्टम हैक करते हैं। द मोस्ट कॉमन अटैक यूज्ड बाय हैकर्स इज की लॉगर अटैक। जी हाँ गाइज, की लॉगर अटैक कैसे होता है कि हमारे सिस्टम में या तो मेल आता है या कोई ऐड आता है जिस पे क्लिक करके हमारे आगे एक ऐसा इंटरफेस खुलता है कि जो कभी खुलता ही नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं, पता नहीं यार कुछ प्रॉब्लम होगी, तो हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं। बट उसमें क्या होता है कि हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन फ़ोन में, सिस्टम में कुछ भी है, गैलरी में फ़ोटोज़, हमारे टेक्स्ट मैसेज, हमारी व्हाट्सएप पे मैसेज, सारी चैटिंग्स, सारा कुछ हैकर्स के पास चला जाता है एंड वो कंटिन्यूसली हमारे फ़ोन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगा, कुछ सालों पहले एक वायरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस वायरस था जिसका नाम आई लव यू मैसेज था। वो बहुत सारे लोगों को जाता था, देन कोई भी अपने स्मार्टफोन से इस आई लव यू टेक्स्ट मैसेज को ओपन करता था तो उसका फ़ोन हैक हो जाता था। ये हैकर्स की ऐसी ट्रिक थी जिसमें कोई भी फंस सकता था। या आपके फ़ोन में आती होगी मैसेज, यू हैव 125 करोड़ रुपीज़, प्लीज़ सेंड योर बैंक डिटेल्स। मेरे में भी आया एक बार, सो आई टेक्स्ट बैक कि जितना मैंने जीता है प्लीज़ उसको चैरिटी में दो। गाइज ये सारा फेक होता है तो इससे हमें बचना चाहिए। सो कभी भी आप किसी भी अननोन लिंक पे ना जाए, इससे आपका सिस्टम हैक भी हो सकता है। गाइज दूसरा है ब्रूट फोर्स अटैक। कॉमनली हम कहीं पे कुछ पासवर्ड रखते हैं, तो अगर हम इसमें स्पेशल लेटर्स का यूज़ ना करें तो हैकर्स क्या करते हैं कि हमारे पासवर्ड को, जेन्युइन पासवर्ड को ट्राई करते हैं एंड देन क्या होता है, कभी ना कभी लकीली वो पासवर्ड क्रैक हो जाता है। सो हमें क्या चाहिए, अपने पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करें। नेक्स्ट इसका है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में क्या होता है कि हमारे यहाँ एक लिंक आ जाती है जिसको जब हम ओपन करते हैं तो नया फेसबुक या नया जीमेल, कोई नया इंटरफेस खुलता है जिसमें हमें अपनी डिटेल जैसे पासवर्ड देना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि हम पासवर्ड भी इनपुट कर देते हैं। सो गाइज उसमें क्या होता है कि हम यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन हैकर्स को देते हैं, ये लो भाई ये मेरा पासवर्ड, और इससे आप कुछ भी कर सकते हो। सो कभी भी किसी नए इंटरफेस पर अपना पासवर्ड ना दे। गाइस अब जो मैं दो अटैक्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उससे आपके होश भी उड़ सकते हैं। उनमें से पहला है डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक में क्या होता है, हैकर जो है हमारे फ़ोन की डिक्शनरी को यूज़ कर देता है एंड उसको हैक करके हमारे सारे वर्ड्स जो भी हमने टाइप किए होते हैं उनको हैक करके उन्हीं में से कोई ना कोई हमारा पासवर्ड होता है। जैसे लाइक हमें कहीं पासवर्ड देना तो हम तो टाइप यूजुअली करते हैं, जब वही वर्ड्स हैकर के पास आते हैं तो ईजिली उनको क्रैक कर देता है। लास्ट जो सबसे डेंजरस है, वाटरिंग होल अटैक। गाइस इस अटैक में क्या होता है, हैकर हमारी डेली एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है। वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है हमारे फ़ोन में कि जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं उसमें ऑप्शंस में आता है अलाउ, अलाउ एंड अलाउ। हार्डली वो 2 या 3 बार आ सकता है, बट हम बिना देखे अलाउ अलाउ करते रहते हैं। कभी हैकर्स का ऑप्शन भी आता है तो हम अलाउ कर देते हैं, जिससे हमारा सारा इंटरफेस हैकर के पास चला जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में बोलिए कि आपको इससे क्या सीखने को मिला, प्लस अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कीजिए कि इस पर आप कुछ बोलिए तो उस पर भी हम वीडियो देंगे। सो लास्टली गाइस प्लीज़ वीडियो का आप प्रमोट कीजिए, क्योंकि हमारी चैनल को आपकी प्रमोशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नई चैनल है, जब तक आपका सपोर्ट रहेगा तभी ये चैनल हमारी ग्रो करेगी। सो गाइस प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।